नक्सलवाद के चलते बस्तर संभाग में रुके विकास कार्यों को तेज करने के लिए सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों को बस्तर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके लिए दोनों डिप्टी सीएम को बस्तर और कांकेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। साथ ही 2 और मंत्रियों को भी कोंडागांव और नारायणपुर का जिम्मा दिया गया है। बस्तर में 4 कैबिनेट मंत्रियों को प्रभार दिए जाने के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस बस्तर है। ऐसे में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को प्रभारी मंत्री बनाने से बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। वन मंत्री ने आगे ये कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बस्तर है, अब चारों ओर विकास होगा जिससे नक्सल समस्या भी जल्द दूर हो जाएगी। ये बस्तर में दो दो डिप्टी सीएम को प्रभारी मंत्री बनाया गया, क्या विचार था, क्या सोच के लिए? देखिए, बस्तर भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता में रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विश्वदेव साय जी ने हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के दोनों हमारे डिप्टी सीएमओ को यहाँ पर एज ए प्रभारी मंत्री भी दायित्व दिया है, ताकि यहाँ के जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विस्तार हो, बेहतर तरीके से राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो, मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से हो, और हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। निश्चित तौर से बस्तर पहले भी हमारी प्राथमिकता में रहा है, और माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपने इस निर्णय से इस बात को साबित किया कि बस्तर के हितों के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। क्या लगता है, नक्सलवाद और विकास अभी दोनों को देखा जाएगा? देखिए, नक्सलवाद की लड़ाई तो लड़ाई है ही, परंतु विकास हमारे अंतिम छोर तक पहुँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, इन सारी चीज़ों को लेकर के अंतिम छोर तक पहुँचना हम सबका दायित्व है, और जिस चीज़ से सभी हम काम कर रहे हैं, और सरकार में हमारे इन बातों को लेकर के चर्चा भी होती है, निर्णय भी बहुत सारे होते हैं। विश्वास है कि उनके इस निर्णय से हमारे इन क्षेत्रों में विकास की गति और तेज़ी के साथ बढ़ेगी।